2017 में चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के वादों के विस्तारण के क्रम में कुछ मामले को पटना उच्च न्यायालय को प्राधिकृत किया गया। सरकार एलपीए घोर कमी झेल रही है। सरकार एलपीए में जीत हासिल करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सरकारी रुपये का दुरुपयोग कर रही है और हमको लगता है कि विभाग माननीय मंत्री को भी गुमराह कर रही है और सदन को भी गुमराह कर रही है। न्यायालय में रिव्यू आवेदन किया गया है लेकिन इसे स्वीकार किया गया है या नहीं है ये माननीय मंत्री जी बताएंगे। माननीय किया गया कि नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, जो सूचना है इस मामले में रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। रिव्यू पिटीशन स्वीकृत हुआ है कि नहीं इस मामले में मुझे सूचना नहीं है। जो विभाग ने जवाब दिया है रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है और जो पदाधिकारी बैठे हैं वो सामाजिक न्याय और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इसलिए आसन से आग्रह करूंगा ये फाइल मंगवाकर देखकर और उचित निर्णय करें। राज्य सरकार एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में दिनांक 26/9/2022 को पारित न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय स्तर से विद्वान महाधिवक्ता से सहमति से रिव्यू पिटीशन नंबर 54/2023 दायर किया गया है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन के निस्तारण होने के उपरांत तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। सूचना पढ़ रहे हैं, ध्यान आकर्षण है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, बहुत सारे जिला के सूचना इन्होंने दिया है, उसी में उनका भी होगा, वो भी देखो लीजिएगा। आप बैठिए, आपको भी बोल दिया। अध्यक्ष महोदय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2703/2017 में चतुर्थ चरण के महाविद्यालयों के वादों के विस्तारण के क्रम में कुछ मामले को पटना उच्च न्यायालय को प्राधिकृत किया गया। पटना उच्च न्यायालय ने CWJC 17670/2017 एवं अन्य में स्पष्ट आदेश दिया है कि 3 माह के अंदर कर्मियों की सेवा पुनर्स्थापित के साथ बकाए वेतन का भुगतान करे, जिसके विरुद्ध सरकार एलपीए में गई, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने 26/9/2022 को खारिज कर दिया। एलपीए में पराजित होने के बाद भी सरकार ने रिवीजन पिटीशन दाखिल किया। विश्वविद्यालय शिक्षकों की ओर से कमी झेल रही है। सरकार एलपीए घोर कमी झेल रही है। सरकार एलपीए में जीत हासिल करवाने वाले शिक्षकों के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल कर सरकारी रुपये का दुरुपयोग कर रही है। अतः एलपीए में पारित आदेश के क्रियान्वयन हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग, अध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत ध्यानाकर्षण के प्रसंग में कहना है कि चतुर्थ चरण के अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के सेवा की अंतरलीनीकरण के साथ वेतन भुगतान एवं अन्य सुविधाएं बहाल करने के निमित्त दायर CWJC संख्या 17670/2017 में पारित न्यायाधीश से उद्भूत एलपीए संख्या 1526/2018 राज्य सरकार एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में दिनांक 26/9/2022 को पारित न्यायाधीश के विरुद्ध विभागीय स्तर से विद्वान महाधिवक्ता से सहमति से रिव्यू पिटीशन नंबर 54/2023 दायर किया गया है। इस मामले में रिव्यू पिटीशन के निस्तारण होने के उपरांत तदनुसार कार्रवाई की जा सकेगी। माननीय मंत्री जी के जवाब से मैं संतुष्ट नहीं और हमको लगता है कि विभाग माननीय मंत्री को भी गुमराह कर रही है और सदन को भी गुमराह कर रही है और करोड़ों रुपए
जा रहे हैं कोर्ट में, अगर आज वो पैसे उन लोगों को दे दिया जाता कर्मियों को, तो ये मामला नहीं होता। आखिर सरकार चाहती क्या है? एलपीए में हार गई, सब में हार गई, तो फिर भुगतान करने की दिशा में कौन सी कार्रवाई कर रही है सरकार? माननीय सदस्य, एक रिवीजन पेटिशन की भी चर्चा है, इस पर आपको क्या कहना है? हुजूर, मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यायालय में रिव्यू आवेदन किया गया है, लेकिन इसे स्वीकार किया गया है या नहीं है ये माननीय मंत्री जी बताएंगे? माननीय मंत्री, किया गया कि नहीं? माननीय मंत्री शिक्षा विभाग महोदय, जो सूचना है इस मामले में कि रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है, रिव्यू पिटीशन स्वीकृत हुआ है कि नहीं इस मामले में मुझे सूचना नहीं है। जो विभाग ने जवाब दिया है, रिव्यू पिटीशन दायर किया गया है। ये गुमराह करने वाला जवाब है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आसन इसको अपने अफसर से देखवावे, फाइल मंगवावे, क्योंकि ये सामाजिक न्याय के लोग से जुड़ा हुआ मामला है और जो पदाधिकारी बैठे हैं वो सामाजिक न्याय और सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इसलिए आसन से आग्रह करूंगा कि ये फाइल मंगवाकर देखकर और उचित निर्णय करें। माननीय मंत्री विभाग महोदय, मैं तो सरकार ने अपने जवाब में कहा है कि रिव्यू पिटीशन दायर हुआ है, रिव्यू पिटीशन का जब न्याय निर्णय आएगा तो तदनुसार सरकार कार्रवाई करेगी। माननीय सरकार नहीं किया गया है। भाई बहन जी जरा शांत ग्रहण कीजिए। सरकार मान एक मिनट, सरकार के द्वारा जो कहा जा रहा है रिव्यू पिटीशन दायर है और उसके फलाफल आएंगे उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। एक मिनट मेरा सुन लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ही जब कह रही कि रिव्यू पिटीशन दायर है, अब वो एडमिट हुआ है नहीं हुआ है उसकी जानकारी उनको है या ना है, अगर रिवीजन पिटीशन एक्सेप्ट हो गया है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक उसके फलाफल नहीं आते, अब आपने ध्यान आकर्षण दिया है, सरकार से मैं जानना चाहता हूँ कि स्पष्ट सरकार बतावे कि रिव्यू पिटीशन एडमिट हुआ है या नहीं।